स्वामी विवेकानंद उन विरले सन्यासियों में आते हैं जिन्हें वर्तमान युवा पीढ़ी अपने आइकन की तरह देखता है। उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना समूचे विश्व में है। जो उन्हें नहीं जानते वो भी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद के विचारों में वह ज्योति है जिसे व्यक्ति अपने अंतस में ग्रहण कर ले तो उसका जीवन अत्यंत सुखमय बीतेगा। इसके अतिरिक्त इस जीवन के बाद भी उनकी आत्मा ब्रह्म को प्राप्त होगी, क्योंकि स्वामी जी ने अपने विचारों के माध्यम से जनसाधारण के मार्गदर्शन का प्रयास किया है। वे अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करता थे। वे एक प्रभावशाली व दिव्य वक्ता थे जिन्होंने लगभग 130 बरस पहले अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए एक प्रकार की क्रांति ला दी थी, तथा उनके द्वारा दिया गया ये भाषण आज भी सबसे प्रभावशाली भाषणों में आता है। उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब आपको उनके कुछ अद्भुत विचारों से अवगत कराएंगे। मित्रों, प्रयास कीजिएगा कि कम से कम एक विचार को अवश्य ही आप अपने जीवन में उतार लें, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो सके। स्वामी जी कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक अन्य जगह पर स्वामी जी कहते हैं, जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। उनके द्वारा कहा गया है कि आपको अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अतिरिक्त कोई और गुरु नहीं है। वे अपने विचारों का प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं, दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। अगले विचार में स्वामी जी कहते हैं, हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें वास करेंगे। स्वामी जी जन जागृति करते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। एक जगह स्वामी जी कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह अद्भुत विचारों का संग्रह? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।